हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10 मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है और हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जनरली हम इस टाइप के क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना होता है उसे ही लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। आपको पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होंगे, तो हम लेट कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई। जब न्यूमरेटर एक्स है एंड डिनोमिनेटर वाई है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवेन है। फर्स्ट कंडीशन गिवेन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं न्यूमरेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर वाई है, दोनों का सम अगर करते हैं तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आगे कंडीशन दी हुई है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर वाई का ट्वाइस क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई मीन्स 2y। अब ये बोला जा रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर से 3 लेस देन है, मींस कि ये जो नंबर है x प्लस वाई वो 2y से 3 कम है। तो जब 3 कम है तो x प्लस वाई में अगर हम 3 ऐड करेंगे तब ये 2y के इक्वल होगा। 3 लेस देन बोला जा रहा है तो हम यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो ये 2y के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें पहली इक्वेशन मिलेगी, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई, इस 2y को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू। अब इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड करते हैं तो ये माइनस 3 हो जाता है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस वाई है और ये माइनस 2y है। 2y से प्लस वाई माइनस होगा तो ये माइनस वाई होगा इक्वल्स टू माइनस 3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब हमें सेकेंड कंडीशन दी हुई है इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अब ये बोला जा रहा है कि अगर गिवन फ्रैक्शन x अपॉन y से न्यूमरेटर से भी 1 माइनस कर दी जाए और डिनोमिनेटर से भी 1 माइनस कर दिया जाए, डिक्रीज्ड का मीन ये है कि आपको 1 कम कर देना है, मतलब कि 1 माइनस कर देना है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 1 डिक्रीज करने के बाद ये गिवन फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, मीन्स कि x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 हो जाता है। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। x माइनस वाई का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई y माइनस 1 में करेंगे तो ये y माइनस 1 ही होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई x में करते हैं 2x एंड 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1। अब हम वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म को राइट करते हैं ये माइनस 1 एंड ये माइनस 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2। अब 2x माइनस y इक्वल्स टू 2 से माइनस 1 करते हैं तो ये हमें मिलेगा प्लस 1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब देख रहे हैं दोनों इक्वेशन को हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ माइनस वाई है और यहाँ पे भी माइनस वाई है, दोनों इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। आपको पता है जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ माइनस 1 माइनस y और यहाँ पे प्लस y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 2x प्लस x
ये माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस फोर, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर। हमने न्यूमरेटर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब डिनोमिनेटर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उस इक्वेशन से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की फोर, एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं फोर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री, वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो माइनस वाई इक्वल्स टू इस फोर को ट्रांसपोज कर लेते हैं, माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वाई इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं दोनों का साइन सेम है तो ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे, माइनस थ्री और माइनस फोर को ऐड कर लेते हैं तो माइनस सेवन हो जाएगा, अब माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई इक्वल्स टू सेवन आ जाएगा। आप देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, अब हमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लेट किया था फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई, अब यहाँ पे हम सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी फोर एंड वाई की वैल्यू सेवन, तो फ्रैक्शन आ गया फोर अपॉन, और फ्रैक्शन फोर अपॉन सेवन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा।